नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल पी की न्यूज। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं। वे लगातार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की, जिसके बाद उनकी चारों ओर वाहवाही होने लगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल छू लेने वाला अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा और सुकरी बॉम्बा गौड़ा से सिर झुकाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्हें इन बुजुर्ग महिलाओं ने आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी से मिलने के बाद पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा और सुकरी बॉम्बा गौड़ा काफी खुश दिखाई दी। तुलसी ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी दिल्ली से अंकोला के लोगों से मिलने आए। उन्होंने मेरा आशीर्वाद लिया, मैं उनसे पहले भी दिल्ली में मिली थी और हम सभी बहुत खुश हैं। वहीं सुकरी ने कहा, पहली बार यहां कोई पीएम आया है, उनके अंकोला आने पर काफी खुशी है। हम बहुत खुश थे, हमारे बच्चे उन्हें देखकर बहुत उत्साहित थे, मैंने उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। बता दें, तुलसी गौड़ा को साल 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। तुलसी गौड़ा नंगे पैर ही पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। वहीं हलक्की वोकालिंगा जनजातियों की कोकिला कहे जाने वाली सुकरी बॉम्बा गौड़ा ने साल 2017 में लोक गायन के लिए देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री जीता था। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के होनल्ली स्थित हक्काली जनजाति में साल 1944 में पैदा हुई थी। बचपन में ही पिता के निधन के बाद तुलसी गौड़ा को जीवन यापन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। आजीविका चलाने के लिए तुलसी ने दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम किया था। तुलसी अपनी मां के साथ एक नर्सरी में काम करती थी और 35 सालों तक उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा। वहीं सुकरी बॉम्बा गौड़ा कर्नाटक के अंकोला से आती हैं। यह परंपरागत जनजातीय संगीत की विरासत को लंबे समय से संभाल रही हैं, जिस कारण उन्हें हलक्की की बुलबुल के नाम से पुकारा जाता है। वह लगभग 5 दशकों से जनजातीय संस्कृति की आवाज बनी हुई हैं। 1000 से अधिक पारंपरिक हलक्की गीतों को उन्होंने गाया है। अब पीएम मोदी 25 अप्रैल से 6 दिनों के लिए कर्नाटक के दौरे पर हैं। वो लगातार राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि उनकी ये मुलाकात कर्नाटक की आदिवासी जनता पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।